ये हम बातचीत ऐसे वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं जब भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं अच्छे नहीं हैं, चिल बहुत एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं। क्या डायरेक्शन देखते हैं आप आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, दोनों देशों के, दोनों मुल्कों के रिश्तों के लेकर? मौजूदा हालात में मेरा ख्याल में भारत पे ओनस है कि वो ऐसे एक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करे जो कि टॉक्स के लिए कंड्यूसिव हो। इसलिए पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से 5 अगस्त 2019 में जो एक्शंस लिए गए वो काफ़ी संगीन थे, और जब तक उनको रिव्यू नहीं किया जाता मीनिंगफुल बायलैटरल इंगेजमेंट मुश्किल होगा। जो शेरी रहमान थी आपके जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की, जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई उसमें वर्चुअली शामिल हुए आपकी तरफ से, लेकिन आप यहाँ पर, आप भी वर्चुअली कर सकते थे लेकिन आप यहाँ पर आए हैं। तो और जो क्रिटिसिज्म ये था कि ऐसा करने से जो पाकिस्तान का स्टैंड है हिंदुस्तान को लेकर, 2019 का जो इंडिया का स्टेप था उसके बाद, वो उसको स्टैंड को डाइल्यूट करता है, फिर आप क्यों आए? तो ये एक सवाल मुझे सुनने को मेरा मिला। ख्याल में मेरा यहाँ आना एक वाजह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान किस अहमियत के साथ SCO को देखता है, कितना सीरियसली हम अपना रोल इस ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। जहाँ तक दूसरों का वर्चुअल शिरकत और मेरा इन पर्सन शिरकत की बात है, अब जो बाकी इवेंट्स हैं वो टेक्निकली SCO के हिस्से हैं मगर इतने ऑफिशियल नहीं हैं जितने ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स और हेड्स ऑफ स्टेट्स का गैदरिंग होते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का वजीर खारजा, पाकिस्तान का नुमाइंदगी करना, इस अहम फोरम पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखना हमारे ख्याल में ज़रूरी था। जहाँ तक कश्मीर की बात है या पाकिस्तान भारत का बायलैटरल रिलेशंस की बात है, हम पाकिस्तान की मौक़िफ़ वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आया है। आप जानते हैं भारत की तरफ से इस तरह के एलिगेशंस लगते रहे हैं कि जो, चाहे मुंबई हो, उसके बाद से पुलवामा हो, जो एक के बाद एक अटैक्स है उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहा है। यहाँ पर एक बात कई लोग पूछ रहे हैं कि जब भी कोई उम्मीद की किरण, रे ऑफ होप कहीं भी होती है, चाहे वो थोड़ी सी वो बातचीत की या फिर बर्फ़ पिघलने की, इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, इस पर क्या कॉमेंट होगा आपका? पाकिस्तान वायलेंस को कंडेम करता है, उसकी मज़ाहमत भी करता है। माजी में जो दहशतगर्दी के वाक़े हुए हैं, बिल्कुल दहशतगर्दी के वाक़े हुए हैं। मैं खुद आई एम माई सेल्फ अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, आई नो दिस पेन पर्सनली। इस पूरा रीजन में अगर आप सारे SCO के मेंबर्स को देखें, उन सारे SCO कंट्रीज़ में से पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ है दहशतगर्दी की वजह से, और हम इसको एक संगीन इशू समझते हैं जिसका हल हम निकालना चाहते हैं। जहाँ तक इल्जामात हैं, जो मेरा ख्याल में या मेरा नज़र में दी सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड जो तरीका का माजी में इस्तेमाल किया जाता था टू क्वाइट सम इफेक्ट, जिस तरीके से टेररिज्म को एक इस्लामोफोबिक वुल्फ विसल के तौर पे इस्तेमाल होता था, भारत में हिंदू सुप्रेमेसी को उछालना और पाकिस्तान को सॉर्ट ऑफ एज अ स्टिक टू बीट पाकिस्तान विद, वो पुराना जो टैक्टिक है वो स्टेल हो चुका है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि दहशतगर्दी का हल निकाला जाए तो उसमें से हमें जो रिटोरिक है उसको सेपरेट करना पड़ेगा लेजिटिमेट कंसर्न्स से। भारत में के जो लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं दहशतगर्दी के हवाले से, हम भी चाहेंगे कि उनका हल निकले और पाकिस्तान के भी अपना कंसर्न्स हैं। जो पाकिस्तान की सिचुएशन, उसको लेकर यहाँ कुछ ओपिनियंस आए हैं कि भारत को, हिंदुस्तान को मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की, मतलब जिस तरह से टर्की में हेल्प हुई है हिंदुस्तान, ऑल्दो कई लोगों ने यह भी मुझसे कहा कि कैसे हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से ओपिनियन मैंने लिया तो उनका कहना था कि ऐसा देखना होगा कि कैसे होता है। इस पर कोई कमेंट है आपका, फाइनेंशियल आई एड या थिंक दैट वे आर इस नॉट तरह की बात? आस्किंग एंड दे आर नॉट ऑफरिंग। एक तरफ इमरान खान साहब हैं, एक तरफ आपकी गवर्नमेंट है, इलेक्शन को लेकर बात चल रही है। जो फाइनेंशियल, आपने जो तीन सिचुएशंस की बात की, फ्लड्स, ऐसे में पॉलिटिकल हालात जो हैं, तो कैसे स्टेबलाइज हो पाकिस्तान की सिचुएशन? अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में इवन एडवांस्ड डेमोक्रेसीज में
हम रिसेंटली ये देख रहे हैं कि एक हाइपर हाइपर पार्टिजान एंड पोलराइज दौर का सामना कर रहे हैं. दे शेक द वेरी फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, दे चैलेंज द इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स ऑफ 200 ईयर ओल्ड डेमोक्रेसीज. जो तो पाकिस्तान के जो 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 नौजवान जमहूरियत है, एक डेमोक्रेसी इन ट्रांजिशन है, जिस किस्म का ये पॉपुलिस्ट एंटी डेमोक्रेटिक चैलेंज का सामना कर रहा है, जिस पोलराइजेशन का, हाइपर पार्टिजनशिप का सामना कर रहा है, उससे मुश्किल ज़रूर है. इट मेक्स इट लेस ईजी टू से डिप्लोमेटिकली फॉर अस टू एड्रेस एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू आर रेफरिंग टू. एट द सेम टाइम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ ऑलवेज बिलीव द पोलिटिकल पार्टी शुड इंगेज इन पोलिटिकल डायलॉग एनकरेज कंसेंसस बिल्डिंग एंड इवन विद इन द करंट क्राइसिस दैट इज़ अ स्टांस दैट वी हैव टेकन विद इन आवर कोअलिशन गवर्नमेंट. इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं इस साल पाकिस्तान में, क्या हम आपको एज प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं? इस पे थोड़ा बताना. ये जो है ना, ये इलेक्शन के बाद आपको खबर मिलता है, इलेक्शन से पहले नहीं. थैंक यू भाई.